है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और आर पार खेलेंगे, आर पार होगा क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा, न्याय नहीं मिलेगा जब हमारी इज्जत ही मतलब कैसे जाएंगे बुजुर्ग 84 साल के बुजुर्ग भाई नौ दिन छिल क्यों ना करा दिया तुम साथ 300 किलो आटे एक साथ इतने दवान मारे सही लोग हैं आज हमारा हमारा तो खाके वाले आदमी की पकड़ी और औरत का दुपट्टा ये आन और शान है जो हाथ लगाए उसके हाथ काट रख देंगे हम उसे छोड़ेंगे तक नहीं जितना मर्जी जो ताकत जो मर्जी कर ले क्या हुआ मैम निकलने नहीं दे रहे क्या निकलने नहीं दे रहे ये देखो आप रास्ता देखो एक आदमी क्या ये देखिए आप रास्ता कर रखा है बोतल नेक बना रखा है कैसे जाएंगे बुजुर्ग 84 साल के बुजुर्ग रास्ता ही नौ दिन छील क्यों ना करा दिए तुम साथ 300 किलो आटे एक साथ इतने जवान मारे सही लोग हैं आज हमारा हमारा तो खाने वाले हैं तो ये देखिए यहाँ पर रास्ता खुलवाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि यहाँ पर रास्ता थोड़ा तंग है इस वजह से यहाँ पर विरोध हो रहा है कि अंदर जाने में तकलीफ हो रही है लोगों को ये तस्वीर आप देख सकते हैं आप ये देखिए इतने बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं इन्होंने तो ये वो रास्ता था अब थोड़ा सा खोल दिया गया है ताकि अंदर के जो लोग हैं वो बाहर जा सकें और एंटर करने के लिए जो रास्ता है वो अभी उधर से अब चलने लगा है क्योंकि पहले उधर से लोग निकल रहे थे तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था एक ही साइड से एक ही बंदा जा सकता था जिसकी वजह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी और इसी की वजह से यहाँ पर विरोध शुरू हुआ था और सामने आप देखेंगे कि उस तरफ ये जो भीड़ है अंदर ये यहाँ पर सामने पहलवान पिछले लंबे समय से बैठे हैं और यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उनको दिक्कतें हो रही थी और अब जा कर के जो है ये रास्ता अंदर से जो लोग बाहर आ रहे हैं उनके लिए खोला गया है और दूसरी तरफ जो है इधर से रास्ते से अंदर लोग जाने के लिए अब तैयार हो गए हैं आसानी से अंदर जा रहे हैं। तो जंतर मंतर के बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये काफ़ी बड़ी तादाद में हैं आप जहाँ तक नज़रें आपकी जाएंगी देखिए आप ये जंतर मंतर के बाहर की तस्वीर है सड़क पर जो महिलाएं हैं वो आपको दिख रही होंगी ये आप देख सकते हैं पंजाब से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो महिलाएँ हैं ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कहाँ से अभी अपना जीन जिला खटखटोल है हाँ। अभी पंसा बंदा पहुंचा मेरे अभी अच्छा, क्या कहना चाहते हो हम खिलाड़ी आए हैं अपनी बहन बेटियों को खिलवाड़ा है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अच्छा। और आर पार खेलेंगे आर पार होगा क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा न्याय नहीं मिलेगा जब हमारी इज्जत ही मतलब निलाप होगी उसके बाद बचा ही क्या है तो या तो जल्दी से जल्दी मान जाएंगे ये मतलब आर पार होगा मैं मिर्जपुर से आवर हरियाणा जी जिला ईसा हम ये कह रहे हैं अगर लड़की को न्याय मिलना चाहिए पहलवानों को है ये सरकार क्या कर रही है सारी दुनिया इनके वो कर रही है ये न्याय नहीं दे रहे बताओ इससे बड़ा जुल्म क्या होगा बताओ आप आप देखा आगे बढ़ रहे हैं लोग और न्याय दिलाने के लिए आज भारी तादाद में लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं गलत काम किया मैं एक बार कहना चाहता हूँ जीता वही है जिसकी बाजों में बल है और आदमी की पगड़ी और औरत का दुपट्टा ये आन और शान है जो हाथ लगाए उसके हाथ काट रख देंगे हम उसे छोड़ेंगे तक नहीं जितना मर्जी जो ताकत जो मर्जी कर ले हम उसे छोड़ेंगे तक नहीं नहीं छोड़ेंगे हम उसके उसकी बुरी हालत करके रख देंगे हम क्या बचाया जा रहा है बचाए खुद गवर्नमेंट बचाई जा रही है हमारे हिंदू परिवार जितने भी हैं वो क्यों नहीं आएगा इकट्ठे होते हैं अब ये पुलिस वाले सब हैं जो हैं इनको सब मालूम है कि ये बात गलत हुई है लेकिन वो चुप कर खड़े हैं क्योंकि मजबूर हैं इसे ऐसी ऐसी नौकरी का क्या करना जो हमारी बहू बेटियों की दुपट्टे को हाथ लगा दे हम गुरु गोविंद सिंह के सिख हैं और हम लड़ना बढ़ना अच्छी तरह जानते हैं सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट